हाय व्यूअर्स, मैं सुदीप आज आप लोगों के लिए रेलवे रिलेटेड एक ऐसा अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो जिधर हम खड़ा है अभी मकरपुरा यार्ड पे, जिधर WDFC रेलवे प्रोजेक्ट का जिधर EMP 4 एंड EMP 16 चालू हो रहा है एंड एंड हो रहा है, तो उधर से देखा थे आप लोग। चलिए चेक करते हैं यार्ड को। दोस्तों, SLTG कंसोर्टियम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट CTP 3R जो मकरपुरा से स्टार्ट हो रहा है, ऑल्सो एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट CTP 13 ये भी मकरपुरा से स्टार्ट हो रहा है। उधर आगे चला गया यार्ड है, आगे स्टेशन बिल्डिंग यार्ड का काम आगे चल रहा है। और इधर जो है, इधर जो साइट है, ये EMP 16 स्टार्ट हो रहा है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, अभी जो इस पॉइंट पे खड़ा है, तो इधर से शुरू हो रहा है WDFC के EMP 4 प्रोजेक्ट, और इधर हो रहा है WDFC के EMP 16। तो आगे चलिए EMP 16 को क्या क्या काम हुआ है तो आगे देखते हैं। फाउंडेशन भी हो गया है इधर बेड पे, तो उधर भी फाउंडेशन हुआ है। कुछ ही जगह इधर थोड़ा सा लोकेशन बाकी है, मास्ट डालना और ग्राउटिंग करना बाकी है। तो आगे चलते हैं, आगे मास्ट इरेक्शन ग्राउटिंग सब हो गया, देखते हैं आगे। गाइस, ये एंकर है, एंकर भी कास्टिंग हो गया है। लोकेशन नंबर 130/85 ये कास्टिंग हुआ है 25/8/21 को हुआ है। ये मेन फाउंडेशन है और ये बैक टू बैक एंकर लोकेशन है। दो मास्ट भी शिफ्ट किया है तो इधर ग्राउटिंग करने के लिए। तो आगे चलते हैं। ये भी एक फाउंडेशन है और भी पिट कवर भी ढका हुआ है। बैलस्ट है, जो बैलस्ट डालने के बाद ही स्लीपर आएगा और उसके ऊपर ही रेल आएगा। दोस्तों, ये मास्ट है, तो मास्ट का वेरियस टाइप रहता है, तो वो अलग वीडियो में बता देंगे। तो जस्ट सिंपली बताते हैं, जो ये अक्रॉस द ट्रैक रहता है, ये जो फेस रहता है, ये यूज़ होता है। ये इसका लेंथ होता है 400 mm, और ये जो अलोंग द ट्रैक ये फेस रहता है मास्ट का, ये जो अलोंग द ट्रैक फेस रहता है मास्ट का फेस, ये डिफरेंस टाइप का होता है 175, 200, 225 और 300 और भी वेरियस टाइप्स का होता है। तो चलिए गाइस, तो आगे चलते हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए EMP 16 के जिधर ग्राउटिंग हो गया और मास्ट भी खड़ा हो गया। देखिए कितना अच्छा हुआ है, और मास्ट भी खड़ा कर दिया, ग्राउटिंग भी हो गया। तो इधर दोस्तों एक चीज़ देखिए,
ये जो होता है ये लोकेशन नंबर होता है 130 का 25, ये लोकेशन नंबर। और ये जो B200 लिखा हुआ है ये मास्ट टाइप का होता है, मतलब ये जो फेस होता है, ये जो फेस होता है इसका एरिया 200 mm होता है। और जो आई लिखा हुआ है ये 3.10 ये इम्प्लेंटेशन होता है। और ये डी दिया हुआ है और डिफ्लेक्शन 20, मतलब कैंटिलीवर और जो ऊपर का वेट आएगा वही चीज़ का, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग डिफ्लेक्शन देता है। एक बेड के ऊपर माइनर ब्रिज है, कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस टाइप का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो और नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।